बात 11 सितंबर 1948 की है। शाम के तकरीबन 4:15 बजे थे। एक प्राइवेट प्लेन क्वेटा से कराची के मीरपुर एयरपोर्ट पर लैंड करता है। उस प्लेन में एक बीमार आदमी है जो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है। वो आदमी अगर कराची में आम दिन आया होता तो पाकिस्तान की आधी आबादी उसका इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पर होती, मगर आज ये एयरपोर्ट बिल्कुल खाली था। उस बीमार की बहन फातिमा के अलावा 2 डॉक्टर, 2 सेना के अधिकारी, 1 नर्स और 1 एम्बुलेंस के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। मरीज़ को प्लेन से बाहर लाया जाता है और मिलिट्री एम्बुलेंस में लिटा दिया जाता है। जहाँ उनको जाना था वो केवल 30 मिनट का रास्ता है, लेकिन वक्त ज़्यादा लग रहा था क्योंकि एम्बुलेंस की रफ्तार कम कर दी गई ताकि उसमें लेटे VVIP मरीज को कोई तकलीफ़ ना हो। 4 मील यानी करीब आधी दूरी तय करने के बाद एम्बुलेंस अचानक बीच सड़क पर रुक गई। ड्राइवर 20 मिनट तक इंजन को ठीक करने की कोशिश करता रहा। बाद में मालूम हुआ कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है। गर्मी में उस मरीज की हालत बद से बदतर हो रही थी। आमतौर पर कराची का मौसम बड़ा खुशगवार रहता है। अरब सागर से आने वाली हवाएं कराची को ठंडा कर देती हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं था। संयोग देखिए, जहां एम्बुलेंस खड़ी थी वहां हजारों टेंट लगे हुए थे। वो टेंट उन शरणार्थियों के थे जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे से यहां रहने को मजबूर थे। उन्हें नहीं मालूम था कि एम्बुलेंस में लेटा वो आदमी जिसकी एक ज़िद की वजह से आज उन लोगों की ये हालत है। कभी आधिकारिक रूप से कायदे आज़म रहे उस मरीज़ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। गर्मी के कारण उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने हाथ से उन सैकड़ों मक्खियों को उड़ा सके जो उसके चेहरे पर मंडरा रही थी, और वो काम भी बारी बारी से एक गत्ते के टुकड़े के द्वारा उसकी बहन फातिमा और नर्स डेलम कर रही थी। शाम के 6 बज गए, दूसरी एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया और गवर्नर जनरल हाउस पहुंचाया गया। उसके बाद वो केवल 4 घंटे ज़िंदा रहा, लेकिन लगभग बेहोशी के अंदर। सुकून की नींद जब खुली तब डॉक्टर इलाही बख्श ने उनसे कहा कि आप जल्द ठीक हो जाएंगे जनाब। जवाब आया, नहीं, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता। उसने अपनी बहन फातिमा को अपने करीब बुलाया और कहा, फाति, खुदा हाफिज, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह। इतना कहते ही उसका सिर दाहिनी ओर ढलक गया, आंखें बंद हो गई। वो शख्स मरा था, वो जिन्ना था। पूरा नाम मोहम्मद अली जिन्ना। इस घटना पर हैरान करने वाली बात यह है कि 11 सितंबर को अगर पेट्रोल होता एम्बुलेंस में तो जिन्ना जिंदा होता। आप खुद सोचिए, क्या किसी को नहीं मालूम था कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल किस हालात में है? क्या किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि 4:15 बजे एयरपोर्ट पर उतरने के बावजूद अभी तक कायदे आजम गवर्नर जनरल हाउस क्यों नहीं पहुंचे? उनका काफिला कहाँ है? उनकी तबीयत कैसी है? ये आप खुद सोचिए। और हम किस्सा कहानी में आपको ये बताएंगे कि जिन्ना हिंदू था, सिया था या सुन्नी। ये भी बतलाएंगे कि 24 बरस की रति ने 40 के जिन्ना से शादी क्यों की। लेकिन इसके लिए आपको हमारा एक काम करना होगा। आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आने वाले सभी किस्सा कहानियाँ तय समय पर आपको मिलते रहें। शुक्रिया।